विश्व यात्रा के लिए रवाना हुई भारत की दो बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशस्त्रीकरण मुहिम के तहत भारत की दो होनहार बेटियां ऐतिहासिक शहर पटियाला के एविएशन क्लब से छोटे जहाज के जरिए विश्व यात्रा के लिए रवाना हुई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती परनीत कौर ने विशेष तौर पर इन बच्चियों की हौसला अफजाई की और उनके जहाज को हरी झंडी देकर रवाना किया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा और पंजाब सरकार द्वारा इन लड़कियों को बधाई देते हुए इनकी सफल यात्रा की कामना की। एक संदेश सारी दुनिया को जा रहा है कि जो भारत की लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से ये लिखा गया है, सॉरी, और इसके लिए यहाँ पटियाला में उन्होंने ट्रेनिंग की है। ये भी बहुत फख्र की बात है हमें कि हमारे फ्लाइंग क्लब में पटियाला में इन्होंने ट्रेनिंग की है और आज आपने देखा है अपने 90 दिन की जर्नी के ऊपर ये चल पड़ी हैं और इनको भगवान परमात्मा इनके सिरों के ऊपर अपना हाथ डाले, सुखी शांति वापस आ जाएं। और इनके ट्रेनर्स को, मिनिस्ट्री को, इनके माँ बाप को पंजाब से मेरे पर्सनली एक माँ के नाते और पंजाब गवर्नमेंट, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम और उनके सारे कोलीग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, हम 23 कंट्री में जाएंगे 80 दिनों में, जैसे कि 3 कॉन्टिनेंट हम क्रॉस करेंगे, तो यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज क्रॉस करके वेस्ट वर्ल्ड। आपने पटियाला ही कैसे चुना, कितनी देर से पटियाला में जो है ये ट्रेनिंग वगैरह? सर, हम पटियाला में पिछले एक महीने से हम यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारी, और ये बहुत अच्छा रनवे, हमें बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ से। सारे पायलट्स जो सीनियर पायलट्स हैं वो हमें वेदर के बारे में हेल्प करते हैं, रूट के बारे में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। अभी तक सर हम रूट डिसाइड नहीं किया बिकॉज वो सब वेदर पे डिपेंड होता है, बता नहीं सकते क्योंकि अभी वेदर आप देख रहे हो पिछले हफ्ते कितना ख़राब था, तो जैसे वेदर क्लियर हो जाएगा, जैसे आज अगर वेदर क्लियर हो तो हम आज जाएंगे, अगर अगले महीने हुआ तो अगले महीने। आज क्लियर है वेदर सर, लेकिन आज आप इंटरव्यूज है तो परमिशंस और बहुत लेनी पड़ती है हर जगह जाने का। कल जाना आपने सर? ऐसे तो नहीं बता सकते हम। ठीक ठीक, तो लास्ट कंट्री के वापस कब और कहाँ होके आना लास्ट में? लास्ट कंट्री तो हम इंडिया ही आएंगे वापस। नहीं, वहाँ होकर यहाँ से सर देखते हैं, अब हम कुछ रिवील नहीं कर सकते, रूट नहीं है डिसाइड। ठीक ठीक, लैंडिंग सब वो देखेंगे। प्लान क्या है, कौन कौन से देश में जाओगे? 23 देश है जैसे मैंने बताया आपको, उनमें से ईरान हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार वैसे, और फिर बैक टू इंडिया। इसमें जो आप ले जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल कुछ खासियत भी है इसमें, कुछ ऐसा कि अगर इमरजेंसी की आपकी सेवा में जरूरत पड़े तो? ये जहाज़ बहुत प्यारा है, इसमें इमरजेंसी की वैसे कोई गरज नहीं है। इस जहाज़ ने खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रखा है फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड में, और 80 हॉर्स पावर का इंजन है जो काफ़ी रिलायबल है। हमारे पास बहुत लंबे विंग्स है, करीब 14 मीटर के विंग्स है जो फ्लाइंग में मदद करते हैं, और इसमें एक स्पेशल सिस्टम है, रेस्क्यू सिस्टम, बैलिस्टिक पैराशूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए हम वो पैराशूट इनक्लोज। तो आप 90 दिन में कहीं स्टे वगैरह भी होगा आपका, कहाँ कहाँ मतलब कितने? हाँ, हमारी रेंज लिमिटेड है एयरक्राफ्ट की, तो हम करीब 4-5 घंटे ही फ्लाई करेंगे, लैंड करेंगे, रिफ्यूल करेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ऐसा स्टे होगा जहाँ पे एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होगी वहाँ पे 2-3 दिनों की स्टे होगा। पहला रूट होगा इतना लंबा जो आप मालूम, दोनों साथ कैसे हम दोनों साथ में ट्रेनिंग से साथ है, हमारा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग हुई है द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से, तब से हम दोनों साथ हैं, हमारी ट्रेनिंग भी साथ हो चुकी थी, और जब हमें अप्रोच किया गया एक्सपीडिशन के लिए हमने डिसाइड किया हम साथ में ही करेंगे। इनफैक्ट हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं। मेरा नाम है आरोही पंडित, मैं मुंबई से हूँ। कैसे आप चाह रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे, स्पेशल टीम हम लेकर? जैसे कि इसने बताया हम 4 साल से फ्रेंड्स हैं, एंड इसमें भी हमें एक साथ ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, सो हम बहुत थैंकफुल है ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सबसे, और ये एक अच्छे कॉज के लिए, तो हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो कभी डर नहीं लगता कि इतने लंबे टूर पे अकेले मतलब जाना है, या कोई किस किस स्पोर्ट आपको पीछे आप किसे मानते हो? सर डर तो नहीं लगता, बट जैसे कि मैंने बताया हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, एंड हम दोनों इनफैक्ट साथ में हैं, तो कुछ हम अकेले तो नहीं हैं।